स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर न्यू चैप्टर दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओवरव्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसकी लाइसेंस में क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कि एक यूज़र को और एक प्रोग्रामर को यूज़ करनी होती हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि OSS है, ये होता क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, क्या फंक्शन होता है, और इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कि एक यूज़र या प्रोग्रामर को फॉलो करनी है। सो पढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हैज़ अ सोर्स कोड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक फॉर यूज़ और फॉर मॉडिफिकेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि एक सोर्स कोड के साथ बना होता है। ठीक है, मतलब जिसके पास सोर्स कोड होता है, जिस सोर्स कोड मींस कि जिसकी हेल्प के बिना हम कोई सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, टू द जनरल पब्लिक फॉर यूज़ और मॉडिफिकेशन। जनरल पब्लिक यानी कि जनरली यूज़र्स के लिए, यूज़ करने के लिए, और मॉडिफाई मतलब उसमें चेंजेस करने के लिए। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के लिए बना है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में कुछ एक कोडिंग सिस्टम होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज़ रिलीज अंडर अ लाइसेंस इन विच कॉपीराइट होल्डर ग्रांट यूज़र टू मॉडिफाई, स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनी वन फॉर एनी पर्पस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो कॉपीराइट होल्डर होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होल्डर, मतलब जिसके पास कॉपीराइट होता है उस सॉफ्टवेयर को चलाने का, मींस जो प्रोग्रामर हो गया, ठीक है, या यूज़र हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, एक लाइसेंस ग्रांट करता है यूज़र्स को कि वो उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकें, उसको स्टडी कर सकें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें विद इन दी अदर यूज़र्स। ओके, दिस सॉफ्टवेयर टिपिकली डज नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस फ़ी, और बिना किसी लाइसेंस फ़ी के ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सके डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के द्वारा। देयर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट यूजेस सच एज ऑफिस ऑटोमेशन, वेब डिज़ाइन, कंटेंट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स द्वारा यूज़ की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, और डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन के लिए भी हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम क्रक्स पढ़ें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अपने यूज़र को फ्रीडम देता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए और किसी भी पर्पज़ के लिए, पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको यूज़ करने का फ्रीडम देता है। हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेवलपर होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, या हम उसको मॉडिफिकेशन के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब आप लोग समझते होंगे चेंजेस के पर्पज़ से, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग या फिर किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स हम उसको यूज़ करने के साथ साथ उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं,
उसके कोड में चेंज करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना सोर्स कोड, तो हम उसके कोड में चेंज करके उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसकी कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाती है। मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो फ्री अवेलेबल होता है यूज़र्स के लिए। और अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आजकल जो रिसेंटली यूज़ हो रहा है वो है मोज़िला फायरफॉक्स। ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस दैट एनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट फॉलो टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया: फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, द सोर्स कोड शुड बी पब्लिकली अवेलेबल। अब देखिए, कुछ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस चीज़ पर फोकस कर रही हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है किस तरह से उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूज़ करने का अमंग द डिफरेंट यूजर्स। फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, जो सोर्स कोड होगा वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए और वो भी बिना किसी फीस के, लाइसेंस फीस के। दी सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम दी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए मॉडिफाइड के पर्पज़ से और डिस्ट्रीब्यूटेड के पर्पज़ से, वो थोड़ा जो फॉर्मेट है उसका चेंज होना चाहिए ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। The software should not discriminate against persons or group. किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह का inequality नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते टाइम या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टाइम। The software should not restrict the usage of other software. जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उस पर किसी भी तरह की कोई restrictions नहीं होनी चाहिए, कोई भी यूज़र इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए फीचर्स क्या हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम। देखिए फ्रीडम, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि वो उसको विद दी हेल्प ऑफ सोर्स कोड यूज़ कर सकें। ठीक है, इसकी कोई भी फी नहीं है एज सच, और जो इसका सोर्स कोड है वो भी फ्री अवेलेबल है। तो जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीडम के साथ साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन से मतलब है हमारा जो न्यू टेक्निक्स हम उसकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेटिव बना सकते हैं सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स जो भी काफ़ी इंटरप्राइजेज हैं वो इनिशिएटिव लें। ठीक है, और इंटीग्रेटेड करें, मीन्स कि जो जिसके द्वारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या और भी जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो कॉस्ट है वो लो आए। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस की जो स्पीड है सॉफ्टवेयर के टास्क परफॉर्मेंस की जो स्पीड है वो बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कि लगातार चलते रहना, मतलब जो ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की, मॉडिफाई करने की, सोर्स कोड चेंज करने की, ये कंटिन्यूटी में इसी तरह से चलती रहे, ग्रो करता रहे सॉफ्टवेयर, और मतलब हर कंपटीशन में सही रहे। ओके, और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट वन इज़ व्हाई इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल। अब देखिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसकी हमने अभी बात करी है वो सक्सेसफुल क्यों है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि सब सक्सेसफुल क्यों है। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ रीजन्स फॉर सक्सेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सम ऑफ देम आर एज़ फॉलोज। फर्स्ट वन है हमारे पास प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि किसी भी यूज़र द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, कोई लाइसेंस फ़ी नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जो सोर्स कोड है वो भी हर यूज़र के लिए अवेलेबल है। तो ये माना जा सकता है कि इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट वन इज़ हायर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। इससे जो कस्टमर की सेटिस्फिकेशन है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, लोग अपने
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोर्स कोड को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं। इक्वालिटी, जो इक्वालिटी द क्वालिटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू प्रायोरिटी वंस, मतलब अदर की, मतलब जो अदर सॉफ्टवेयर है उसी की तरह से ये इक्वल माना गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन एन ओपन स्ट्रक्चर, दिस लीड्स इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम विच लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो एक ओपन स्ट्रक्चर का है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ये फुल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज़ ओपन स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अभी बात किया, ओपन स्ट्रक्चर मीन्स कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसको स्ट्रक्चर कर सकता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सोर्स। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए एडवांटेजेस क्या हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट वन इज लेसर हार्डवेयर कॉस्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर की वो कम रहती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर इजीली पोर्टेबल एंड कंप्रेस्ड, पोर्टेबल होती हैं ये जो सॉफ्टवेयर, और कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इट टेक्स लेसर हार्डवेयर पावर टू कैरी आउट द सेम टास्क व्हेन कंपेयर टू द हार्डवेयर पावर इट टेक्स ऑन सर्वर। ओके, मतलब जो हार्डवेयर की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज सिंपल लाइसेंस मैनेजमेंट। अब देखिए सिंपल लाइसेंस मैनेजमेंट मीन्स व्हेन वी यूज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वी वुड नॉट नीड दी लाइसेंस, हमें किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लीगली जो इसकी जो फीस वगैरह होती है उसको हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लोअर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वी कैन मिनिमाइज अवर एक्सपेंसेस, वी कैन सेव ऑन लाइसेंसिंग फीस एंड मेंटेनेंस फीस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई लाइसेंस फीस नहीं होती, हम उसको सेव कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस फीस होती है सॉफ्टवेयर की हम उसको भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अबंडेंट सपोर्ट। देखिए बल्क में सपोर्ट होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने पर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज़ मोस्टली फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी ईजिली असेस्ड थ्रू ऑनलाइन कम्युनिटीज़। देखिए फ्रीली अवेलेबल जो उसके सोर्स कोड होते हैं वो फ्री अवेलेबल होते हैं किसी भी तरह के यूज़र के लिए और किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो जो सपोर्ट होता है वो बल्क में होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट वन इज़ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें सोर्स कोड अवेलेबल होता है। ओके, मोस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर वेल डिज़ाइन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी एफिशेंटली यूज इन कोडिंग, दिस रीज़न मेक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एन आइडल चॉइस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजेस टेक्नोलॉजीज सच एज कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल यानी कि CIM एंड वेब बेस्ड इंटरप्राइज मैनेजमेंट यानी कि WVEM। दिस हाई एंड टेक्नोलॉजीज इनेबल अस टू इंटीग्रेट एंड कम्बाइन सर्वर्स एप्लीकेशन सर्विसेज एंड वर्क स्टेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है जैसे कि CIM, ठीक है, और इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ एक इंटीग्रेट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स को, एप्लीकेशंस को और सर्विसेज को, ठीक है, वर्क स्टेशन को मैनेज करने में। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सेम हैं, जैसे कि हमने फीचर्स की बात करी, एडवांटेज की बात करी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल क्यों है, ये कुछ एक चीज़ें हैं कि हम बार बार रिपीट हो रही हैं। देखिए फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, द लाइसेंस शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट
एनी पार्टी फ्रॉम सेलिंग और गिविंग अवे द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस कंटेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वो फ्री होता है किसी भी पार्टी के लिए, ठीक है। एज सच कोई भी लाइसेंस नहीं फॉलो करना होता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड भी जो है प्रोग्राम मतलब अवेलेबल होता है सभी के लिए, यूज़र के लिए भी, प्रोग्रामर के लिए भी। यूज़र अपने अकॉर्डिंग सोर्स कोड में चेंज करके सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड वर्क्स। द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशंस एंड डिराइव्ड वर्क एंड मस्ट अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म एज द लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाती है किसी भी पर्सन के साथ और किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ, ठीक है। द लाइसेंस मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। द राइट अटैच टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल द होम the program is redistributed without need for execution of an additional license by those parties। जो distribution है license का वो उन्हीं party के additional license के साथ उन्हीं party के बीच में किया जाता है जो कि program होते हैं और उस software को जो बनाते हैं। Next is license must not restrict other software। The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software। जो लाइसेंस होगा वो किसी दूसरी restrictions को place नहीं करेगा other software के, okay। जो भी license software के साथ distribute किए जा रहे हैं licensing की जो power होती है। For example, the license must not insist that all the other program distributed on the same medium must be open source software। क्योंकि लाइसेंस में है ये, लाइसेंस ये नहीं कहता कि जो जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर हैं उसको भी उसी पॉलिसी के साथ फॉलो किया जाए जिसके साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए लिमिटेशंस क्या हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। अनफैमिलियरिटी विद ओपन सोर्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ इंटरनल टेक्निकल स्किल्स। हमारे पास कुछ एक टेक्निकल स्किल्स ना होने के वजह से भी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ फॉर्मल कमर्शियल सपोर्ट। फॉर्मल कमर्शियल सपोर्ट ना होने की वजह से भी देयर आर अ लैक ऑफ फॉर्मल कमर्शियल सपोर्ट। द अनफैमिलिटी विद ओपन सोर्स सॉल्यूशन कैन बी ओवरकम बाय इवैल्यूएटिंग ओपन सोर्स सॉल्यूशंस इन दिस केस अगेंस्ट द वर्चुअल एप्लीकेशंस कैन हेल्प। सो ये हमारा टॉपिक था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 मार्क्स में ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओवरव्यू।